अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि परचेज आर्डर कैसे हम पास करेंगे, एंट्री, फिर आइटम कैसे रिसीव होगा, फिर उसकी पेमेंट कैसे होगी। अब ये तो था PKR में, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ वेंडर अहमद के साथ ट्रांजेक्शन्स की थी, क्योंकि अहमद हमारा लोकल वेंडर था। अब अगर आप फॉरनर वेंडर्स के साथ, यानी तोरगुल जो अमेरिका में बैठा है उससे हम परचेजेस करते हैं, या अफगानिस्तान से परचेजेस करते हैं, तो उसको हम अफगानी करेंसी में डील करेंगे, ठीक है। तो क्या, किस तरह हम ये एंट्रीज वगैरह करेंगे, तो आज हमारा टॉपिक ये है। अब देखें, वेंडर्स में आते हैं, पुराना काम मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन डिफरेंट वे से। लेट सपोज तोरगुल साहब को हम ऑर्डर करते हैं, अब इसको ऑर्डर जाएगा तो हमारे पास किस रेट पे डॉलर हम ऑर्डर कर रहे हैं, 91, ठीक है। 91 में हम ऑर्डर कर रहे हैं नोकिया आइटम, ठीक है, 5 अदद। अब देखें, नोकिया की प्राइस उसने किस में कन्वर्ट कर दी, USD में। इसी तरह लैपटॉप उसको हम ऑर्डर करते हैं, अमेरिका से लैपटॉप मंगवा रहे हैं डेल के, 12 आइटम्स। देखें आपका टोटल, अब इसमें परेशान होने की बात नहीं, आपको ऊपर बता रहा है, देखें टोटल इन USD 11,967.57 USD है, जबकि आपका बन रहा है कितना, 10,89,048.87। अब इसका ऑर्डर किस टाइप का होगा, इसको प्रीव्यू कर दें तो आपको यहाँ पे देखें ये मिल रहा है। ये मैंने नया डाउनलोड किया, फिर आपको मैं बता दूँगा कि इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और नीचे देखें आपको USD, क्योंकि ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, अमेरिका जाएगा, तो उसके साथ लिखा हुआ है USD। पुराने वर्जन में ये अक्सर स्टूडेंट कहते थे सर देश रकम करेंसी साइन नहीं आ रहा, या ये क्योंकि वो मल्टी करेंसी ऑफ था। अब इसमें मल्टी करेंसी ऑन है तो आप कुछ भी इसमें वो करें, फिर इसका आप लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब देखें, आपका ऑर्डर हो गया है इन अ USD फॉर्म, ठीक है। हम रिपोर्ट चेक करते हैं, परचेजेस के अंदर आ जाते हैं ओपन परचेज ऑर्डर। तो अब देखें, ओपन परचेज ऑर्डर आपके दो ऑर्डर हैं, ठीक है। ओपन परचेज ऑर्डर डिटेल में हमारे पास क्या है कि तोरगुल को हमने ऑर्डर किया है कितने, 12 लैपटॉप, ठीक हो गया, जिसकी टोटल कास्ट ये बन रही है, 5 रुपीज़ में शो कर रहा है। और उसकी नोकिया ऑर्डर किए 3 अदद, जिसकी टोटल कास्ट ये बन रही है। और समझ में आ गई, तो इसी तरह हम एक और ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं, ऑर्डर नंबर 4 है, और ये हम अफगानिस्तान को भेज रहे हैं, तो अफगानी करेंसी। अब रेट क्या चल रहा है वो रेट दे दें, आज का रेट 2 रुपये है। अब इसको हम कर देते हैं नोकिया सेट्स, ठीक है, 6 आइटम्स इसको भी कर दिया। तो अब देखें, यहाँ पर आइटम की कीमत 6,425 रुपये है, ये अफगानी है। अगर मैं यहाँ पे एक कीमत लगाता हूँ, यानी एक आइटम लेता हूँ समझाने के लिए, देखें 6,425 अफगानी आपके 12,850 रुपये बन रहे हैं, यानी कीमत वही है। अगर फ्लक्चुएट करती है आप चेंज कर रहे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आइटम मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। आपका बिल आप देखें, यहाँ पे टोटल में क्या लिखा हुआ है, AFN, AFN मीन अफगानी करेंसी, बात समझ में आ गई। ये कर लिया हमने, इसको हम कर देते हैं क्लोज, क्लोज कर दिया, सेव एंड न्यू। फिर दूसरा ऑर्डर करना है, तीसरा ऑर्डर करना है। तब देखें, हमने सिर्फ एक आइटम ऑर्डर किया है, ऑर्डर नंबर 4। तो अभी देखें, पुराना अहमद का एक ऑर्डर रहता है, क्यों, 3 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, 2 रिसीव है, 1 बैक ऑर्डर में पड़ी हुई है, जो अहमद का हमें शो कर रहा है।
छः ऑर्डर की थी, चार रिसीव हुई हैं, दो बैक ऑर्डर में पड़ी हुई। तो जब तक ये ऑर्डर आपको फुल रिसीव नहीं होगा, ये इस रिपोर्ट से नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी देखें यहाँ पे हम आते हैं ट्रायल बैलेंस को भी ऑन कर लेते हैं, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आप चेक कर लें। यहाँ पे देखें अकाउंट पेएबल है, ज़ीरो है, ज़ीरो है ना, अभी ये ज़ीरो ही रहेगा। वजह अभी मैं बताता हूँ। अब देखें, अभी हम माल रिसीव कर रहे हैं, यानी आइटम प्लस बिल, तो रिसीव आइटम एंड यूनिटर बिल। अब देखिए, आप आइटम रिसीव कर रहे हो किसको, तोरगुल को हमने किया था, तो तोरगुल सेलेक्ट कर दिया। अब ओपन ऑर्डर एग्जिस्ट है, तो इसको आप यस कर लें, बिल सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। तब देखिए इस पूरे फॉर्म में आपको चेंजेस नज़र आई हैं। क्या चेंज नज़र आया? अमाउंट ड्यू यूएस डॉलर में था और पाकिस्तान में रुपए में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, दूसरा क्या चेंज है और से देखिएगा। अकाउंट पेबल यूएस डॉलर में, अकाउंट पेबल यूएस डॉलर में है। अब देखें आपके पास एक और पेबल क्रिएट हो गया है, कारी साहब उदय का ना, हाँ, ये देखें, यानी वो पेबल पाक रुपीस का है। अब चूंकि फॉरेन करेंसी के साथ डील है, तो अब मैंने उससे आइटम मंगवाए हैं, तो उसकी पेमेंट तो मैं डॉलर में करूँगा, तो पेबल यूएसडी में होगा, यानी उसके लिए अलग अकाउंट क्रिएट हुआ है। अब आपको फुल रिसीव हो गया, बिल नंबर इसका है 668800, एक नंबर दे दिया, 7। अफगानिस्तान से भी माल आ गया, वो भी रिसीव कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अशोक को नवी 6000 था, उसका ऑर्डर था, रिसीव इन फुल कर देते हैं। बिल नंबर उसका है क्या है, 221144, 7 न्यू। अच्छा, अहमद माल रहता था, बस सारा रिसीव करते हैं अभी, कि बस खिचड़ी वो रिपोर्ट ख़त्म हो जाए ना, उसमें क्या बार बार हमें तंग करेगा फिर आगे। ये बिल नंबर है, हाँ ना, से ठीक है। अब देखें, इसको मैं क्लिक करूँगा तो सारा फुल हो गया। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास अकाउंट पेबल है पाकिस्तानी रुपीस, अफगानी एंड यूएसडी, ठीक है, लेकिन शो आपको किस में कर रहा है,